में कीजिए कोचिंग क्लासेस। मैं नीलेश सर। बायो का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीवों में जनन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवों में जनन के। जीवन अवधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं, ठीक है। जीवों के जन्म से लेकर एक प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है उसी को हम कहते हैं जीवन अवधि, ठीक है। तो चलिए ये मान लो कोई ह्यूमन है, मीन्स मनुष्य है, आप समझते हो, तो यहाँ से वो क्या करता है अपना पूरा एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन जिसको कहते हैं अवधि जिसको कहते हैं वो जी लेता है, और एक निश्चित टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, इसी को हम कहेंगे जीवन अवधि कहेंगे, लाइफ स्पैन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। एक बार और कि जब वो क्या करता है निश्चित जीवन जी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को ही हम क्या कहते हैं जीवन अवधि कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा जीव कितने वर्षों तक, कितने महीनों तक, कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, उसके बारे में मैंने चार्ट प्रिपेयर किया। देख रहे हो एलिफेंट, फ्रूट फ्लाई, रोज, मैन, हॉर्स, पैरेट, काउ, बनाना ट्री एंड बनियान ट्री के बारे में देख रहे हैं आप। जैसे आप देखते हैं एलिफेंट जो हाथी है उसका जो जीवन काल आपको दिखाई दे रहा होगा 65 से 70 साल तक वो जीवित रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रूट फ्लाई की बात करें वह 30 दिनों तक जीवित रहता है। फिर बात करें आपके रोज की बात करें जो गुलाब वो 5 से 7 साल तक जीवित रहता है। इसके बाद आदमी की बात करें, मैन की बात करें तो वह 60 साल तक जीवित रहता है। फिर आप देखेंगे हंस का 50 से 60, वैसे ही पैरेट का आप देख रहे हैं 140, और काऊ का देख रहे हैं आप 20 से 25, बनाना ट्री का देख रहे हैं 25 साल, और बनियान ट्री का देख रहे हैं 200 सालों तक जीवित रह सकता है। तो चलिए अब इसके बारे में क्या क्या है अब हम आगे बार पढ़ेंगे। अलैंगिक प्रजनन की जिसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपके जीवन अवधि में दो चरण होते हैं या दो चरणों में पूर्ण होती है, एक तो लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन, मीन्स कहा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल पैरेंट, मतलब एक ही जनक के द्वारा, किसके जनक के द्वारा, एक ही जनक के द्वारा बिना युग्मक के, बिना युग्मक के मीन्स बिना वो गैमेट के उसका फॉर्मेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के वो क्या करे जीवों या संतानों की उत्पत्ति कर सके, वही होता आपका अलैंगिक प्रजनन होता है। वो क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वो बिना गैमेट्स के यूज किए, बिना ही फर्टिलाइजेशन किए क्या करते अपने डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, वही क्या कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेरेंट सेल की बात करें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताओ अमीबा का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक पेरेंट सेल लेता है, उसके जो केंद्रक है दो केंद्रकों में विभाजित हो गया। अब जैसे दो केंद्रक में विभाजित होता है तो क्या करता है जो केंद्रक होते हैं कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, कोशिका द्रव्य भरे होते हैं, तो क्या करते हैं केंद्रक उन साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य को अपनी ओर खींच के एकत्रित कर लेते हैं, और फिर अपने पूरे बॉडी को मीन शरीर को क्या करते हैं बना लेते हैं, और दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस आपका बहुत ही ज्यादा अमीबा को पूछा जाता है, तो वो किस पे देखा गया आपको अलैंगिक प्रजनन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन की विधियों के बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। तो देखिए पहला विधि इसमें क्या क्या देखेंगे फीचर जिसको हम हिंदी में कहते हैं विखंडन, क्या कहेंगे विखंडन, इंग्लिश में फीजन। फीजन दो प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बाइनरी फीजन, दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन को हिंदी में द्विविखंडन कहते हैं, जबकि मल्टीपल फीजन को बहुविखंडन कहा जाता है। इसके बाद हम बडिंग पढ़ेंगे जिसको हिंदी में कलिका कहते हैं, क्या कहेंगे अपन कलिका कहेंगे। तीसरा है बाइस्पोर, मतलब बीजाणु द्वारा कैसे अलैंगिक प्रजनन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन जो खंडन विधि द्वारा, और अगला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जिसको हम कहते हैं काय प्रवर्धन कहते हैं। तो चलिए पहले हम बाइनरी फीजन के बारे में देखते हैं क्या है बाइनरी फीजन। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने लिखा है बाइनरी फीजन के बारे में, तो बाइनरी फीजन वह फीजन वह भी खंडन होता है जिसमें देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए इसके अंदर क्या है, इसकी कोशिका क्या होगी डिवीजन हो रही है,
मतलब उसके केंद्रक आपस में विभाजन होंगे। आपस में विभाजन होने के बाद देख रहे हैं कि इनकी जो साइटोप्लाज्म यहाँ आपस में कोशिका द्रव भरे इसके पास ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोशिका द्रव भरा होगा, ये कोशिका द्रव धीरे धीरे क्या करेंगे इकट्ठे हो जाएंगे केंद्रक के पास और ये क्या करेंगे धीरे धीरे टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, दो संतृप्त जीवों का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा किसमें देखा जाता है अमीबा पैरामेशियम और यूग्रेना में भी देखा जाता है। फाइनल डिवीजन मतलब द्विविखंडन के प्रकारों को देखेंगे, एक तो सरल होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल, दूसरा होता है आपका अनुप्रस्थ जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा होता है आपका जो होता है अनुदैर्ध्य जिसको हम बोलते हैं ट्रांस वर्सेस बोलते हैं। सरल जो पाया जाता है सिंपल टाइप का जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाएगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। दूसरा अनुप्रस्थ विभाजन तो देखेंगे हम, वो देखेंगे पैरामेशियम में, और अनुदैर्ध्य विभाजन तो देखेंगे वो देखेंगे यूग्रेना में। ये आपके बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को मैं डिफाइन कर दूं द्विविखंडन को, जब एक कोई पेरेंट सेल क्या करते हैं दो संतृप्त कोशिकाओं का निर्माण करते थे, दो खंडों के निर्माण द्वारा, दो एक कोशिकाओं के निर्माण द्वारा जीवों की या संतति को उत्पत्ति करते हैं, वही आपका द्विविखंडन या बाइनरी फिजन कहलाता है। अब देखते हैं फिजन का दूसरा जो टाइप है मल्टीपल फिजन जिसको हम कहते हैं बहुविखंडन, बहु माने बहुत सारे, विखंडन मतलब कहा जाए तो एक नहीं एक से दो नहीं बहुत सारे दो या दो से अधिक क्या होते खंडन के द्वारा कोशिकाओं के द्वारा संततियों का निर्माण हो जाए वही आपका कहलाएगा बहुविखंडन। जैसे आप देख रहे हैं ये कोई किसी जीव का कोशिका है, उदाहरण की बात करें एग्जांपल जो फेमस है एंट अमीबा की बात करें, इसकी केंद्रक के देख रहे हैं आप न्यूक्लियस है। अब ये आगे चलते जैसा कि आप पिछली बार देखें कि बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था कि आपको उसी तरह का केंद्रक का विभाजन हो रहा था, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये क्या करता है माइटोसिस डिवीजन मींस समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी तरह कोशिकाओं का निर्माण करता जाता है, बहुत सारे खंडों का निर्माण करते हैं। इसके बाद खंडों का निर्माण करते समय वो बहुत सारे खंडों या कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, उसी को हम कहते हैं बहुविखंडन, और उसके द्वारा किसी जीव संतति का निर्माण हो जाता है। विभाजन की विधि में अब हम बडिंग या मुकुलन के बारे में बात करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड है बडिंग। तो इसमें क्या होता है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं किसी के शरीर या बर्ड से एक कलिका निकलती होती है, उस कलिका के द्वारा शरीर का निर्माण हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे मुकुलन कहेंगे। मीन्स एक बार और समझाना चाहता हूँ कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव का एक बर्ड या छोटे छोटे प्रवर्ग निकले होते हैं और उस प्रवर्ग से एक जीव का निर्माण होता है, जीव शरीर का निर्माण होता है, वही आपकी प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है, बडिंग कहलाती है। यह ईस्ट और हाइड्रा में मुख्यतः देखा गया, लेकिन कुछ किस्म जैसे मैं साइकॉन की बात करूं, साइकॉन में भी यही मुकुलन या बडिंग की प्रोसेस पाई जाती है। हम बात करते हैं अभी हाइड्रा की, हाइड्रा में क्या होता है देख रहे हैं आप एक छोटा सा प्रवर्ग उसके शरीर में निकला है जिसको हम कहेंगे बर्ड्स, ये जो निकला है मदर सेल जैसे फॉर्मेशन करेगा मतलब मातृ कोशिका जैसे इसका निर्माण होगा। अब ये धीरे धीरे इसका जो बर्ड्स है विकास करेगा, विकास करते करते वो क्या करेगा पूरे अपने शरीर का फॉर्मेशन कर लेगा, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है तो एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए हाइड्रा की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे बडिंग या मुकुलन कहेंगे। चलिए अब हम इसके बारे में अगली वीडियो में आप देखेंगे, तब तक वेट करें, जल्दी आपको आप तक ये जीवों में जनन की विधियों का अलग ही जो जनन विधि में पढ़ा रहा हूँ उसकी अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास आएगी। धन्यवाद।